नमस्कार भाई, मैं विशाल कुमार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करने वाले हैं साइबर कैफ का काम हम कैसे सीखेंगे और साइबर कैफ का काम हम कैसे करेंगे, साइबर कैफ खोलने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, इस वीडियो में आपको जो है से हम अच्छा से बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग का जो है से भाई लोग का कमेंट आता है, भाई मुझे CSC का ID कैसे मिलेगा, साइबर कैफ का हम काम कैसे करेंगे, साइबर कैफ का काम हम करना चाहते हैं बट काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास सिस्टम कंप्यूटर सब है लेकिन काम हम शुरुआत में कैसे करेंगे। तो वो लोग जो है से पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखें जिनको साइबर कैफ का दुकान खोलना है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइबर कैफ काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं कि साइबर कैफ का काम जो है से कैसे सीखा जाता है। तो मेरा वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। एक चीज और दोस्त, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ऐसा और वीडियो देखने के लिए, और एक सब्सक्राइब एक लाइक करके भाई को मनोबल को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ताकि आपके लिए भाई जो है और सब नया नया चीज जो है से लेके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि साइबर कैफ का काम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज का जरूरी चाहिए, जो बार बार कमेंट आता है मैं उसी विषय पर बात करने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि भाई साइबर कैफ का काम हम कैसे करेंगे। तो मैं बता दूं भाई, साइबर कैफ का काम जो है बहुत ही आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता हूं। अगर इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका भी काम जो है पूरा आसान हो जाएगा, जैसे हम लोग जो है आसान तरीका से कोई भी चीज को कर देते हैं। तो बात करते हैं आसान कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है आपको इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि आपको बड़ा सा इंग्लिश नहीं चाहिए, छोटा सा। जैसे मैं मान लीजिए कि राम, RM राम, जैसे हम हिंदी में राम लिखे उसी को जो है सो हमको इंग्लिश में राम, जैसे हम हिंदी में राम रख राम राम तो इंग्लिश में राम, मोहन जैसे हम हिंदी में मोहन लिखते हैं ठीक उसी को जो है सो आप कखारा वाला जो स्पेलिंग होता है, बस आपको ओ वाला इंग्लिश आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको जो है पूरा इंग्लिश आना ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको इंग्लिश टू हिंदी मतलब जो चीज हिंदी में लिखा रहेगा वही चीज को आपको जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे राम को राम लिखना है, मोहन को मोहन इंग्लिश में लिख देना है, सोहन को सोहन लिखना है, ठीक इसी प्रकार जो है आपको साइबर कैफ में जो है टाइप करना पड़ता है। जैसे किसी बंदा का फॉर्म भरना है, उसका नाम मोहन है, विशाल है, सोहन है, कुछ भी हो, तो वही चीज को आपको लिखना है। जैसे क्लास लिखना है, बहुत सारा चीज आपको टाइप करना पड़ेगा। तो आपको जो है सब मैटर भाई मिलेगा, मैटर जरूर मिलेगा। जैसे ही आप काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको मैटर, मान लीजिए किसी का जो है बुक प्रिंट करवाना है, नोट्स बनवाना है, तो भाई आपको जो है सो ऑलरेडी जो है लिखा हुआ चीज मिलेगा, आप वहां से जो है देख कर सिर्फ टाइप करना रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले जो है आपको क्या चीज का जरूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश टू हिंदी मजबूत करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि एक CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मंत्रा, वाईफाई और आपको जो है कीबोर्ड, उसके बाद आप एक टेलीफोन भी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि जब भी आप कोई काम करिएगा तो आपको फोन से बात नहीं करना पड़ेगा, एक बार यहाँ रिसीव करिएगा तो आप कहाँ से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है बिजली लेने कनेक्शन लेना पड़ेगा और छोटा सा आपको जैसे कहीं पर दुकान लेना पड़ेगा। इतना चीज अगर आप रख लेते हैं तो आपका जो है से रोजी रोटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका पूरा अनोन है तो आपको कम से कम जीरोक्स करना तो सीख सकते हैं, आधार कार्ड से जो है से आधार कार्ड डाउनलोड करना सीख सकते हैं, फोटो बनाना सीख सकते हैं, जाति आवासीय आय पैन कार्ड ये सब धीरे धीरे जो है हर चीज आप जो है से सीख सकते हैं। दोस्त, एक दिन में कोई आदमी महान नहीं बनता है। जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे तो हम लोग को भी जो है से बहुत दिन जो है मेहनत करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात रहे कि अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास कमेंट करिए, मैं आपका जो है रिप्लाई देने के लिए एनी टाइम जो है तैयार रहूंगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि CSC ID, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई CSC ID हमको कैसे मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो है CSC ID जो है अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कहाँ से करिएगा, अगर आपको खुद से अप्लाई करने नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी साइबर कैफ वाला के जाके आप वहां से जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको साइबर कैफ वाला अप्लाई नहीं कर देता है तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको टेलीग्राम जो है लिंक दूंगा, वहां से मैं आपको जो है CSC का अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जो है आपको दो एग्जाम देना पड़ता है। वो दोनों एग्जाम कैसे देना है, उसका जो है क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, उसको एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, मैं सारा चीज जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं भेज दूंगा। जो चीज आपको जो है एग्जाम में पूछेगा मैं वही चीज जो है आपको जो है भेज दूंगा, जो आप रीड करके आप जो है ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। दोस्त, एग्जाम देने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपको घर बैठे आप जो है लैपटॉप से आप एग्जाम दे सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है जिसमें 50 नंबर लाना पड़ता है और 50 नंबर आप बहुत आसानी से ले आइएगा। आप जो है 80 से 90 नंबर जो है ला सकते हैं और जैसे हम बताएंगे उसे करिएगा तो 90 नंबर से ज्यादा आ सकता है। उसके बाद जो है दोस्त बता देता हूँ, आपको जो है एक पैसा निकालने वाला ID लेना पड़ेगा, जो आपको बाजार में 400 से 500 रुपया में ID मिल जाता है। उसके बाद जो है आप एक ट्रेन का टिकट काटने के लिए ID लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको
पैन कार्ड बनाने वाला आईडी लेना पड़ेगा। इतना चीज अगर आप ले लेते हैं तो आराम से अगर आप इतना चीज अगर ले लेते हैं तो महीना का जो है आराम से 30 से 35 हजार रुपया जो है आप कमा सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं। बहुत सारे लोग के जो है ऐसे मन में डाउट होगा कि भाई 30 हजार रुपया हम नया नया में कैसे कमा सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए कि भर दिन में आप 100 पीस जीरोक्स कर रहे हैं तो 200 रुपया उससे आया। मान लीजिए कि भर दिन में दो से तीन आप आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, एक आधार कार्ड का 50 रुपया लगता है। उसके बाद जो है आप पैन कार्ड बना रहे हैं, जाति आवासीय बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होता है, जैसे में नया तरह तरह का फॉर्म भरना है, केवाईसी करना है, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन आता है जिससे जो है आप कमा सकते हैं।